the Amadramat Kajai. Respected Mufti Sahiba, we take the opportunity to bring the following two demands of the Sid Manjiba into the fine notice for taking the demand. If you demand and tell me in your own language, it will be easier for me to understand. हम कांग्रेसी बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ा है पास जाल में अच्छे हैं, मगर आप इसको खत्म तो पॉइंट बात कर दीजिए। मैडम, ये हम पॉइंट बात तब करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मरहूम मुफ्ती सईद साहब और आप जब में बोला जाता है आए तो मैं वहाँ शेट्टी साहब आ रहे हमारे मिले सुरेश साहब भी साथ में थे तो आपने हमारे रोड की हालत भी देखी भी है जो अभी तक डिस्कशन क्योंकि बस हमें तब तक तसल्ली नहीं है क्योंकि हम अगला का पहुंचा कांग्रेस पार्टी के सारे सरपंच दो एक्सपेंस दो हम अपनी बात रखेंगे और हमें तसल्ली बुध हो जाएगी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनकर हम कांग्रेस जवाब बनाएंगे गुजारिश है कि दुनिया बाजार रोड की बहुत खस्ता हालत है किलोमीटर एक से किलोमीटर 13 तक जो इस वक्त आर्मी के पास है उसमें सिर्फ एक किलोमीटर का टेंडर हुआ है बाकी सर्वेल बड़ी बहुत बुरी हालत उसकी है मेहरबानी करके आर्मी के पास है वो पैसा भी इनके पास है उसके टेंडर करवाइए नंबर दो केवापुर तो किथर एक मिनट यस सर बिल्कुल हमारे मेरी गुजारिश है कि जो असल में जो डिस्कशन हुआ उसका एक पार्ट ही मैंने बताया क्योंकि एक पार्ट है धुंधली टू नूर विलेज वो 13 किलोमीटर वो जेकेपीसी के बाद में मंत्री साहब जी और आपने भी उसमें कोशिश की और वो सुनील जी को भी मालूम है वो 13 किलोमीटर अब PMGSY से स्टेट सेकंड सेंक्शन हो चुका है 22 करोड़ उसका काम जनवरी में टर्न हो जाएगा तो करेंगे नंबर वन नंबर टू उसमें 23 लाख रुपया बचता था JKPC वालों के वो इन्होंने RNB को दिया है और RNB वाले किलोमीटर टैंक के टनल कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते नंबर अब जो पार्ट सेकंड और थर्ड है दो पार्ट उसमें नूर टू नाली विलेज और नाली पट्टी टू पदनाजी दो पार्ट है एक 6 किलोमीटर का एक दूसरा भी 6 किलोमीटर का 12 किलोमीटर के जो दो पार्ट है उसमें अर्थवर्क कम्प्लीट हो चुका है स्टेज सेकंड के जो दो पार्ट है उसमें उनमें रेट है 2008 का उस रेट पे कोई टेंडर देता नहीं है अब ठेकेदार देता है रेट 80% है वो आपका ओमास जो है वो 20% से ऊपर अब वो अलाउ नहीं करता है मेरी मोहतबाना गुजारिश है उसके अगर क्योंकि वो सेंक्शन है RDPMGSY में अगर उसके टेंडर निकाले जाए टेंडर निकालने के बाद जो रेट आएगा PMGSY का उसके अलावा अलाउ नहीं कर सकते बाकी रकम जो है उसकी परसेंटेज अगर वो स्टेट सेक्टर में दी जाए ऐसा है जो एमएलए साहब बोल रहे हैं उनकी बोल रहे हैं रेट तो है कम लेकिन अब हम ज्यादा रेट देने के लिए तैयार हुए हैं उसमें उसमें दिक्कत यह है कंसेप्शन इसके बाद से रेट नहीं चल रहा है जो पहले 13 किलोमीटर से जो JKPCC के पास हो वो रोड अच्छा नहीं है वहाँ पे उसकी जो है डॉक्टर्स वगैरह जो है वो कैरी कर सकते हैं मिट्टी रखी वो क्या जिसके लिए आप हम जो है इसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो अगले मंथ हम सेंक्शन करवा लेंगे अंडर PMGSY उसके साथ ही वो पार्टिसिपेट करेगा तीनों ग्रुप हमारे नहीं ये होना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत हालत खराब है इस रोड जी आगे बताइए नेक्स्ट हमारा डिग्री कॉलेज की डिमांड अभी बाकी पार्टी की थी लेकिन हमारा इलाका जो है 35,000 पॉपुलेशन पे मुश्तमिल इलाका है और 10 पंचायतें में बाकी हैं 70-80% हमारी ST पॉपुलेशन है गरीब लोग रहते हैं मेहरबानी होगी क्योंकि आपका कार्य आए हैं ये आपका बहुत बड़ा आपको हमारे इलाके के साथ होगा हम कहेंगे कि आपने बहुत छोड़ दिया चुका है हम एजुकेशन मिलेगी हमारे इलिटरेट लोग हैं वो तालीम अपना बन जाएगी आपने समझो एक हज कर दिया ये हमारी गुजारिश आपसे है कि डिग्री कॉलेज वालों को मिलना चाहिए तीसरी बात यहाँ रिसीविंग सेशन की बात हुई आपने हुक्म भी दिया हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तीसरा हमारा देवी गोल पार्टी की बात यहाँ पे हुई वो बहुत मेहरबानी आपकी हुई होगी और चौथा हमारा पटना जो किथर रोड जा रहा है काम है उस पर लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है लैंड कमर्शन लोगों को अभी तक मिला नहीं मिला है गरीब लोग मेहरबान को उनका कंपनसेशन करवाया जाए और इसके साथ साथ हमारे ऐसा है मैडम PIC एक तो पटना जी में और पाठशाला में ऑलरेडी सेंक्शन है ओपन करना है अभी तक ओपन नहीं हुआ पिछले सरकार ने क्या है उसका ये तो हमने बड़े सेंक्शन देखे हैं ना तो उसमें फाइनेंशियल क्लोजर होता है ना क्रिएशन होता है सिर्फ बिल्डिंग बनी होती है तो वो सेंक्शन कहाँ होता है पता ये क्या है ये जो कोई बता रहे हैं कोई PIC की बात कर रहे हैं पाठशाला क्या है इसका कोई बिल्डिंग वगैरह बनी है क्या है मैडम नाली है बोंडवा में जो है वो ओल्ड टाइप की
वही प्रॉब्लम है स्टाफ की, क्रिएशन नहीं है और ये पार्षद है वो सब सेंटर है वो भी है 100% सेक्शन है, काम हुए हैं नवंबर में, हमने काम किए हैं, लायबिलिटी भी है, मुझे लगता है शायद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की 3,37,00,000 लायबिलिटी दी हुई है, पैसा हम लोगों ने मिला है नवंबर में, लोगों ने काम किया, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, मेहरबानी होगी उनको पैसा मिलना जबकि मजदूरों की मजदूरी है। साथ में हमारे पहले तो निकला IHL बाथरूम के लिए, फिर नए हुक्म किया स्वच्छ भारत अभियान, बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबादी पेश करते हैं, सेहत सफाई अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश ये चीज है कि लोगों ने बनाए, सुना लोगों ने ऐलान हो गया सब लोग बनाओ, लोगों ने बनाए लेकिन अभी तक उनको पेमेंट्स नहीं मिला, बिल्कुल पैसा नहीं मिला है, मेहरबानी करके वो क्लियरेंस किया है, लोगों ने बनाए वापस लिया 1,00,00,000 सिंपली सैंक्शन की 2-4 दिन पहले, उसमें से किश्तवाड़ में हम लोगों ने किए 40,00,00,000 रुपए रूरल सैनिटेशन, 8,00,00,000 मिले, जो बाकी पैसा हफ्ते तक वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पूरा टारगेट में हमारे पास है 20,000, उसमें से हमने कम्प्लीट किया 5,000, इनकी पेमेंट में 15 दिन में मैंने निकाले थे उसके टेंडर बाकायदा हुए, अलॉटमेंट नहीं हुई, प्रॉब्लम यह है कि उसमें पैसा नहीं है, मेहरबानी में अरोज सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारे पार्टीज के लिए वहाँ पे कम से कम एक सेंट्रल प्लेस से एक डाकू मन वहाँ बनाए दें, कम से कम 30,00,000 रुपये बन सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल मसला नहीं है। साथ में हमारे गुजारिश है कि हमारे गौजवा के लिए कम से कम को 50,00,000 रुपया दिया है तार और पोल के लिए, हमारे इलाके में मतलब ये जो दरखत हैं उनसे तारें लगी हुई हैं, मेहरबानी होगी वहाँ के लिए कम से कम 50,00,000 रुपया सेक्शन के लिए तार और तार पोल और ये ट्रांसफार्मर नए लगे। इसके साथ साथ हमारे जो गांव है गांव में क्या करते हैं, ये वो कांटे वाली तार होती है ना उसको लपेट लपेट के उसके साथ ले जाते हैं आगे, तो जरूर के बाद हमारे पास भी आते हैं, मेरे ख्याल मेरे पास 30,00,000 रुपया जो है मैंने अपने लेवल पे कैलकुलेट किया 3 महीने में जो आवाम मेरे पास आ गई, कितना 30,00,000 है, 30,00,000 रुपया हम आपको कुछ पैसा देंगे, हम कुछ पैसा देंगे आपको दोनों को, इलाकों दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, किश्तवाड़ के लिए विंदरवाल के लिए जो इलाका आपके पास आता है, हम कुछ पैसा देंगे टुवर्ड्स द एंड ट्रांसफार्मर और तार और पोल के लिए। तो हमारे हॉस्टल जो है एक तो नाली पीएससी है, सिर्फ बड़ा इलाके में एक ही वो सेंटर वहाँ पे है, हमारे एडी पतनाजी या पाशाला जो है वहाँ पे स्टाफ नहीं है, एडी पतनाजी मतलब तकरीबन 3% पर मुस्लिम इलाका है, 100% एसटी पॉपुलेशन है, एनओए कभी होता है वहाँ पे बस, बाकी एक एनएम है एक एनओ वहाँ पे है, कोई मेडिकल असिस्टेंट भी वहाँ पे नहीं है, हमें इतनी परेशानी की जाने, मेहरबानी करके वहाँ पे कम से कम स्टाफ का आर्डर किया जाए स्टाफ, और इसी तरह से किथर लगभग मेरे ख्याल में कोई 100 किलोमीटर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, सारी एस टी पॉपुलेशन है, उनकी कोई भी उनको सहूलियात अवेलेबल नहीं है तिबी या माल मवेशी के लिए, वो भी संचित नहीं होते, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खुशी है, साथ में जो बड़ी खुशी हमें आज का है जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ये ड्रग्स पे बहुत कंट्रोल कर रही है, काफी हद तक कामयाबी लोगों ने की है, मुबारकबादी पेश करते हैं, इसमें काफी जोर शोर और मजीद होना चाहिए, बाकी आप यहाँ तशरीफ आवर हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हम आपके बहुत बताइए क्या जनाब
बस इतना नाम मत लीजिए, सिर्फ मसले पर बताइए क्या है, मामला बताइए क्या है। सबसे बड़े आभारी इस वक्त जीशी साहब के, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। ये मैं एक बहुत स्तुति समझता हूँ कि ऐसा चांस हमें गुरुद्वारा वालों को पहली बार मिला है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं वगैरह, तो उसमें भी हमें किसी को मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। आज इनके यहाँ आने से हमें गुरुद्वारा वालों को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है। तो मैं इसी बात से मैं आपको कुछ पॉइंट्स मिले जो है बड़े जेन्युइन पॉइंट है। इलाका कोंतवाड़ा तीन हिस्सों में ज्योग्राफिकली बटा हुआ है, शांडरी, संगना और भटना चुड़ियाना बनेरा। ये इलाका तकरीबन 30 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। बताइए मुझे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बोला हमने एक नायब तहसील और डेवलपमेंट सिटी ब्लॉक सेंक्शन हुआ है, उसका अभी तक हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं पता है। तो ये दो चीजें सर हमें अर्जेंट चाहिए, क्योंकि इसकी तकरीबन 30,000 आबादी है कोंतवाड़ा की। आगे बताइए। इसके बाद हमारा सर रोड का मसला है। कौन सा रोड? रोड के ये रोड सर ये वही जो हमने डिस्कस किया है, वो पुल पुल जो है ना ये दे देंगे बना के अभी कहा है। नहीं नहीं इनका नहीं, वो नहीं सर। बताइए क्या रोड है? शांडरी छतर से ये रोड हमें ये कोंतवाड़ा जो होली को टच करेगा वाया शांडरी, ये मोस्ट अर्जेंट है। और क्या रोड है? आराम से बताइए कहाँ से दिखिए, जरा पूछिए कौन सा रोड है। 14 किलोमीटर जो है रोड पहले सेंक्शन हुई है छतर से पलान तक वाया भडेरा। छतर से भडेरा के लिए भडेरा अप टू पलान जो पहले डिस्कस किया हमने। इस पर पहले काम शुरू हो चुका है। हम इस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहते हैं कि एक्सचेंज की तरफ से हमें कोई मायूसी महसूस हो रही है ना। इस पर सर से काम शुरू हुआ ना स्टार्टिंग पॉइंट से काम। इसका कब है मुकम्मल होने का? 2019 साल पहले शुरू हुई थी। 25 अक्टूबर 2010 को जनाब ऑनरेबल हमारे स्कूली साहब मिनिस्टर आरएमपी थे, इन्होंने इनॉग्रेशन किया हुआ है। उसके बाद आज 17 कंप्लीट हो रहा है, 18 शुरू हो रहा है काम। किसी ऊपर 230 मीटर रोड निकली है टोटली फ्रॉम वर्गा टू छतर ब्रिज तक प्रपोज ब्रिज है। वहाँ अमेंडमेंट भले हैं, बाकी उसके बाद ब्रिज मार्च तक हो जाएगा, मार्च तक कम्प्लीट हो जाएगा ब्रिज, मार्च तक ब्रिज कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इस ब्रिज से रोड जो है एक तो तीनों खेतों को कवर करनी चाहिए, वाया संगना जानी चाहिए, जो संगना को हिरू को लालबट्टा को टच करके उन्हें संगना बटेरा को पॉपुलेशन को इस्तेमाल हो, ये एक एरिया पड़ता है। इसके बाद जो हमारा ये शांडरी एरिया पड़ता है, जो बोली शांडरी पूतिराज भटकूट पड़ता है, ये तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ के लिए हमें अलग से लेक चाहिए छतर टू बोली वाया शांडरी और पूतिराज को बीच में इसके एक्सेस दिया जाएगा। मतलब मोस्ट अर्जेंट है सर हमारा, तकरीबन 12 किलोमीटर जो है इसकी हमारी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, जिसमें हदार का गांव, बटकूट का, शौंडरी का, बोली का ये पड़ता है। उसके बाद हमारे यहाँ किश्तवाड़ के जस्ट अपोजिट में पोतीनाव का एरिया पड़ता है, इसमें कम अज कम 60 घर या मेरे ख्याल में 100 घर खाली शेड्यूल टाइप लोग बसे हुए हैं। तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि कुछ उनको स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए सर, ये जो एरिया है। बाकी जो है हमें रोड से टच करेंगे तो तब जाकर हमारी जो है इसका स्कूल का मसला हल होगा, उसके बाद हेल्थ का मसला हल होगा। ये तीनों खेतों में एक एक हायर सेकेंडरी की हमारी पुरजोर गुजारिश है, एक नागपट्टा में, दूसरा भटकूट में और तीसरा भडेरा में, क्योंकि ये इलाके के बीच में कम कर 10-10, 12-12 किलोमीटर का फासला है सर। शांडी से नागपट्टा तक 12-14 किलोमीटर फासला है सर, इधर से नागपट्टा से भडेरा तक कम कर 15 किलोमीटर का फासला है। इसलिए हमारी पुरजोर गुजारिश है कि इसमें तीनों जगहों पर ये हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हो जाए। एक जगह बताइए एक सेंटर बताओ ना जगह। सेंटर पर सर इसका जो है नागपट्टा पड़ता है, मगर नागपट्टा जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है,
तो भटकूर से जो है 12-14 किलोमीटर बिल्कुल टेरिबल और जंगलात का एरिया हाई स्कूल है सर। हाई स्कूल जो है नागबट्टा में, हाई स्कूल नागबट्टा में, हाई स्कूल भटकूर में। एक बताओ क्योंकि इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है सर। चलिए और बताइए। उसके बाद प्राइमरी स्कूल शॉर्डरी सर, 30 साल से ये अपग्रेड नहीं हुआ सर। प्राइमरी स्कूल शॉर्डरी जी सर, इसको मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। 30 साल से ये प्राइमरी स्कूल को अपग्रेडेशन नहीं मिली। इस वक्त 70 बच्चे वहाँ है और हम शॉर्डरी जी सर। चलिए हो गया। उसके बाद शॉर्डरी में बिजली नहीं है सर अभी तक। 70 घर है जो बिजली से बिल्कुल डिबार है। 2 किलोमीटर का फास है, 2 किलोमीटर नीचे अठार पड़ता है, तुरंत ही पड़ता है, वहां पर बिजली जा चुकी है और वहां से ऊपर जो है शांडी को बिजली नहीं मिली है। उससे ऊपर 1.5 किलोमीटर फिर मंदिर है जो एक पूरे दोनों डिस्ट्रिक्टों का एक रिलीजियस प्लेस है, टॉप शारदा भगवती का टेम्पल है, वहाँ बिजली नहीं है। तो लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं कि आज के जमाने में क्या रहते हैं। हम हके के में सर लकड़ी वो कायल की लकड़ी जलाते और वहाँ लाइटिंग पर्पज के लिए मार हो रहे, या कहीं तेल अगर मिला तो वो दिए बना बना कर लोग पढ़ रहे या बच्चे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शांडी में रोजाने की तक में यात्रा चलती है सर और वहाँ पर मुंबई बता दिया, बता दिया, वो देख लेंगे। चलिए बिजली का तो सर लेट हो सकता है क्योंकि 2 किलोमीटर का टोल से क्या है तो पता नहीं कि इस गांव का क्या है। ये जो 70 घर है, 70-70 मोड़ा होगा ये बिल्कुल पेश। चलिए बस अब उठिए, अब दूसरा दूसरे ग्रुप को आने दीजिए, बहुत हो गया।